ओके गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके एडमोब अकाउंट में एड सर्विंग लिमिट अगर लग गई है तो उसको सबसे पहले कैसे हटाते हैं, और उससे पहले जाने का कोशिश करेंगे कि ये एड सर्विंग लिमिट लगती क्यों है। हमारे अकाउंट में अचानक एड सर्विंग लिमिट लग जाती है जिससे हमारे एप्लीकेशन में एड शो नहीं होते हैं, जिससे हमारी अर्निंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले जानते हैं एड सर्विंग लिमिट होती क्या है और ये लगती क्यों है। अगर ये आप जान गए तो आपके अकाउंट में कभी भी एड सर्विंग लिमिट नहीं लगेगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि एड सर्विंग लिमिट लगती क्यों है। तो अगर आपका एप्लीकेशन है और उसका लिंक अगर आप सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप शेयर कर देते हैं तो ये गूगल के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। वो गूगल नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो गूगल एडवर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं तो फेसबुक पे जहाँ पे लोगों का ट्रैफिक ज़्यादा है उसका इस्तेमाल करते हैं, फ्री में अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए अपना लिंक शेयर कर देते हैं, क्लिकेबल इमेज बना देते हैं, इमेज शो होता है उसके अंदर क्लिक होता है, इंस्टॉल नाउ का बटन लगा देते हैं, तो उस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन का इंस्टॉल्स बढ़ाते हैं। लेकिन ये गूगल इसको मना करता है क्योंकि उसमें गूगल का लॉस होता है, क्योंकि गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल लोग कम करते हैं और इसके बाद वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे हम लिंक शेयर करके फिर उसको हम इंस्टॉल बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये गलत है गूगल के पॉलिसी के मुताबिक। तो अब अगर आपके अकाउंट में अगर ये लग गई है, और दूसरी बात एक और, अगर आप में अगर कोई इनवैलिड ट्रैफिक आती है या कि मतलब जैसे आपने दोस्तों को शेयर किया कि भाई देखो मेरे अकाउंट ये हमारा लिंक है, हमारा लिंक एप्लीकेशन ट्राई करके देखो कि किस तरीके के, और आपका दोस्त वो लिंक के थ्रू आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, डिलीट कर देता है, तो उसमें जो एडवर्टाइज़र है उसमें उसको लॉस होता है, क्योंकि उसमें इंप्रेशन तो शो होता है लेकिन उसको कोई बेनिफिट मिलता नहीं। वो आपको थोड़ा दिन यूज करके फिर एक या दो दिन या एक घंटे डेढ़ घंटे यूज करके फिर आपके एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो आप पूरा फुल बेनिफिट जो एडवर्टाइज़र है उसको नहीं मिल पाता है। तो गूगल इसको क्या करता है तो इनवैलिड एक्टिविटी में काउंट करता है। तो इस दोनों चीज़ की वजह से हमारे एडमोब अकाउंट में एड सर्विंग की लिमिट की लग जाती है, और उसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडमोब क्या करेगा तो ऑटोमेटिकली इसको रिव्यू करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो ऑटोमेटिक इसको रिव्यू करेगा, फिर आपको आपके अकाउंट से एड सर्विंग लिमिट हटा दी जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये जब तब तक नहीं हटेगी जब तक आपके इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक या कुछ भी आपके अकाउंट में चलती रहेगी तब तक ये नहीं हटेगी। ये आपका दो दिन भी रह सकता है, तीन दिन भी रह सकता है, दस दिन भी रह सकता है, एक महीना भी या दो महीने भी रह सकता है। अगर हमारी माने तो ये हमें मेल मिला था 17 जुलाई को, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 17 जुलाई को मेरे अकाउंट में एडमोब की लिमिट लग गई थी। मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी एप्लीकेशन, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, तो मैंने अपने जो एप्लीकेशन का लिंक है उसको ट्विटर पे शेयर कर दिया था, तो वहाँ से इंस्टॉल आने लग गए थे। लेकिन इसके बाद गूगल एडमोब में मेरे अकाउंट में एड सर्विंग की लिमिट लगा दी, जिसके वजह से हमें बिल्कुल ही अर्निंग बंद हो गई, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे कि इसको कैसे हटाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला ऐसे करो ऐसे करो, आप ऐड यूनिट डिलीट कर दो, ये कर दो, फिर हट जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया, जितनी भी एप्लीकेशन थी ये देखिए आज के डेट में मुझे कोई इसके इशू नहीं है, मैंने ऐड सर्विंग लिमिट हटा दी। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो और भी यूट्यूबर्स ने बताए कि आप ऐड यूनिट डिलीट कर दो, तो मैंने क्या किया जितने भी एप्लीकेशन थे सारे के ऐड यूनिट मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। इसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने जब मुझे जैसे रिमूव किया दो दिन के बाद फिर से ऐड दोबारा मैंने एप्लीकेशन को अपडेट किया, अपडेट दिया उसमें, तो दोबारा से ऐड लिमिट की सर्विंग लग गई। तो ये तो कोई उपाय नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी किया और गूगल एडमोब से उसको मेल करके पूछा, तो उसने एक ही चीज़ बताया कि हम इसको रिव्यू करेंगे। तो इस तरीके से चलता आ रहा था। लेकिन अगर मेरी मानो तो इसमें आपको करना क्या, आप ऐड यूनिट कभी भी डिलीट मत करो, क्योंकि ये गूगल एडमोब में अगर आपने ऐड यूनिट डिलीट कर दी तो ये आपको बहुत ही सीपीसी इसके बाद लो हो जाएगी, आपकी अर्निंग्स अगर आपकी हट भी जाती है तो आपकी अर्निंग्स बहुत ही कम आने लगेगी, जो पहले आती थी वो उस तरीके की नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐड सर्विंग लिमिट है ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है गूगल एडमोब पे।
तो अगर आप जेन्यून तरीका से अर्न कर रहे हैं, आपका कोई मतलब कोई भी ऐसे गलत तरीके से अर्निंग नहीं कर रहे, VPN का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप पे कोई इशू नहीं आएगी, आपका एडमो सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके ऐड सर्विंग लग गई है तो आपका अगर जेन्यून है तो 2-4 दिन में आपकी ऐड सर्विंग हट जाएगी। और अगर आपने कोई भी लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर रखा है अपनी एप्लीकेशन का लिंक, तो उसको आज ही डिलीट कर ले, जहाँ जहाँ आपने शेयर किया वहाँ वहाँ डिलीट कर दे, तो 100% आपको 4-5 दिन में इसकी ऐड सर्विंग लिमिट हट जाएगी, 100% हट जाएगी। और मेरी गलती मत करना, क्योंकि मैंने ऐड यूनिट डिलीट कर दी थी, इसके वजह से आज के डेट में मैं दिखाता हूँ, अगर अर्निंग्स की बात करें तो मैं दिखाता हूँ मुझे बहुत ही कम अर्निंग्स होती है, ये देखिए बहुत ही कम अर्निंग्स होती है, ठीक है। मैं ये एक दिन की मेरी $15-16 के करीब जाती थी, लेकिन मेरी बहुत ही कम अर्निंग्स हो रही है आज के डेट में। तो भाई लोगों, कभी भी ऐड यूनिट डिलीट मत करना मेरी माने तो, और उसको ऐड यूनिट को रहने देना। और आप क्या करना, सबसे पहला काम करना कि जितनी जगह आपने लिंक को शेयर किया है उसको वहाँ से रिमूव कर देना। ये आप अगर आपको एप्लीकेशन की इंस्टॉल बढ़ानी है तो भाई एक ही सहारा है, गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पैसे खर्च कीजिए और अपने एप्लीकेशन का इंस्टॉल बढ़ाइए। ऐसा कभी मत करना कि आप ऐड यूनिट डिलीट कर दोगे फिर सारे एप्लीकेशन में नए ऐड यूनिट आएंगे, आपकी CPC कम हो जाएगी, आपकी अर्निंग्स कम हो जाएगी। तो कभी मत करना, जेन्युइन तरीका यही है कि आप ऐड यूनिट डिलीट मत करना और ऐड यूनिट को रहने देना। और आप क्या करना, जितने भी लिंक शेयर किए हैं आपने सोशल मीडिया पे वो डिलीट कर दो, 100% भाई सही हो जाएगा। मैंने भी ऐसा किया, मैंने सारा फुल स्टडी किया, आज के डेट में मेरी वापस से अर्निंग शुरू हुई है, लेकिन अभी कमाई कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मेरा ख्याल है कि ये सही हो जाएगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे नए तौर पे हो जाएगा। अगर ऐड यूनिट डिलीट करेंगे आपका जैसा फ्रेश अकाउंट होता है उस तरीके का आपका अकाउंट हो जाएगा। तो शुरुआत में आपकी CPC कम रहेगी, क्योंकि एडमोब देखता है कि आपके कितने दिन हो गए इस पे काम करते हुए, आप इसके लिए सिंसियर है या नहीं। ये तो नहीं कि आपने ऐड यूनिट बना लिया, एक एप्लीकेशन डाल दिया, इसके बाद वो पड़ा रहता है, तो ऐसा नहीं है। वो गूगल है देखता है कि आप अगर एप्लीकेशन पे मेहनत कर रहे हैं, उसको बार बार अपडेट कर रहे हैं या बार बार आपके यूजर्स उस पे आ रहे हैं, तो उस तरीके से जो एडमोब है वो भी आपको हाई CPC बाद में देने लगता है। हमारे CPC 4 या 5 चलती रहती थी हर हमेशा, लेकिन आज के डेट में CPC बहुत ही लो हो गई है, 1-2 चल रही है। तो भाई ऐसा मत करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक करके जाना, और आप हमारे चैनल पे नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से लाते रहूँगा। तो अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।